इजी कुकिंग बाय परमजीत कौर फ्रॉम मोहाली विच तुहाडा स्वागत है। अज असीं कच्चे अंब दा जूस बनावांगे। जेदी रेसिपी तुहानूं अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दिओ। जे हुण तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं कीता तां उह वी प्लीज़ कर दिओ, नाल ही बैल आइकन जरूर प्रेस कर दिओ ताकि साडे हर वीडियो दी नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। साडी वीडियो आखिर तक देखिया करो क्योंकि विच विच असीं बहुत ऐसियां गल्लां दसदे आं जो कि डिश नूं बनाउण वास्ते बहुत हैल्पफुल हुंदियां ने, और कई ऐसी चीज़ें होंदियां जिहड़ी असीं आखिर च ऐड करी दियां। इस करके इन आखिर तक देखना बहुत जरूरी है। कच्चे आम दे देखो जी हैल्थ वाइज भी बहुत बेनीफिट ने। पहली गल तो ये विटामिन बहुत होंगे हैं, विटामिन सी, विटामिन ए, बी सिक्स ते के ये हों, गर्मी तो बहुत बचाव करता तो डायजेस्टिव सिस्टम नूं ठीक करता, तो इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इस करके गर्मी इनू पीना बहुत अच्छा हों। तो हम इनू बनाने वास्ते जड़े जड़े चीज़ की जरूरत है एक करके असं दिखाने। देखो जी तुम कह सकते असी कच्चा अंब लिया, जे कही बाई वेट तो ये 150 ग्राम के करीब करीब है। तो ये वास्ते थोड़ा जहाँ एक अदरक का पीस एक दो ले हैं छोटे छोटे, तो थोड़े जे पुदीने दे पत्ते ले ने, ते चार चम्मच असी शुगर पाउडर लिया, तो 1/4 टेबल स्पून असी काला नमक, 1/4 असी रोस्टेड जीरा पाउडर लिया, तो थोड़े जे असी क्यूब्स ले हैं। तो असी हुण इहनू बनाना शुरू करते हैं। सब तो पहले असी जिहड़ा कच्चे अंब का ग्रीन पार्ट है ये असी उतार देना, ये किसी चीज़ ना उतार दियो, चाहे पीलर ना उतार दियो, चाहे छुरी ना उतार दियो। मकसद साडा ग्रीन पार्ट उतारन तो है। ये उतारन तो बाद अंदर वाले पार्ट के असी छोटे छोटे पीसिस कर लेने, तो जे इहदी जिहड़ी अंदर गुठली है या गिटक है वह असी सुट देनी है। देखो छोटे छोटे असी पीसिस कर लेने, जिहड़ी कि बलेंडर दे या मिक्सी जार दे ब्लेड अच्छी पकड़ च आ जाए। ये देखो छोटे छोटे पीसिस असी कच्चे अंब नूं कट लिए, तो इनू असी हुण जार च इनू असी पाने जी। ग्रीन छिलका ते गुठली असी अलग कट दित्ती, इहदे चों अदरक दे दो पीस असी पा दित्ते छोटे छोटे पीस, थोड़े जे असी पुदीने दे पत्ते असी इहदे च ऐड करांगे। आ देखो चार टेबल स्पून शुगर पाउडर है वह असी इहदे च ऐड कर देना। देखो जी 1/4 टेबल स्पून काला नमक, ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट मुताबिक भी बहुत घट पा सकते हो। जीरा पाउडर 1/4 रोस्टेड जीरा पाउडर है, तो आइस क्यूब्स हैं थोड़ा जहा पानी असं पावे, बस उस हिसाब न करना भी ये सारा जिन्ना भी मटीरियल है एक गिलास के करीब करीब दा जी है, तो जिन्ना कि ठंडा करना उस हिसाब न क्यूब्स पा देने असं। लो सारी चीज़ा ये मिक्स कर दिखा सी। एक बार फिर इन दोबारा मिक्स चलावेंगे जी, ये थोड़ी दिक्कत हो जिदा निकल जाएगी। ये देखो जी कच्चे अंब का जूस साडा बन के तैयार है, असी इन छान लेना हूँ जी। ये देखो जी असी छलनी ना इनू छान लेना, अच्छी तरह चम्मच ना या किसी की सपोर्ट ना इनू असी हिला के कढ़ लेना सारा जी। थोड़ा जहा पानी छलनी च पा के जिहड़ा इहदे च होर भी अगर जूस होएगा तो निकल जाएगा। देखो जी उस तो बाद अच्छी चम्मच ने सपोर्ट ना असी इनू हिला के वह भी कढ़ लेना जी। हाँ देखो जी जिन्ना क निकल सकता इनू दबा के असी कढ़ लेना, तो बाकी ये असी साडा वेस्ट है उपर। हाँ देखो जी सारा जूस असी इहदे चों कढ़ लिया, तो जूस साडा बन के बिल्कुल तैयार है। हाँ देखो जी बहुत वधिया जूस साडा बनिया। हाँ देखो थोड़े जे पुदीने के पत्ते असी क्रश करके ना हाथ नाल ही तोड़ के असी विच पा देने, ते दो क आइस दे क्यूब्स असी पा लेने, ते जूस साडा बिल्कुल तैयार है। कच्चे आम दा जूस बन के साडा बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करते हैं तुहानू पसंद आएगा, एक बारी बना के देखो और कमेंट बॉक्स अपने कमेंट्स जोड़ दिओ कि तुहानू कैसा लग्या।
थैंक यू वेरी मच।